दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम से कैसे करें। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कमेंट आया है कि थोड़ा डिटेल से बताएं और ये भी बताएं कि पट्टा कैसे कराएंगे, अपने नाम से बंदोबस्ती कैसे कराएंगे, या फिर अपने नाम से बासगीत पर्चा कैसे कटाएंगे। मतलब कि सभी तरीका बताने के लिए लोगों का कमेंट आया है, तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। किसी भी तरह का सरकारी ज़मीन हो, चाहे आवासीय हो, चाहे खेती का ज़मीन हो, आप अपने नाम से कैसे कराएंगे, या फिर ऐसा ज़मीन जो किसी के नाम से नहीं है उसको अपने नाम से आप कैसे करा सकते हैं, कौन करा सकता है, ये सारा डिटेल सारा जानकारी आपको दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी चूक गए, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप करके आगे बढ़ गए, तो फिर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप फिर वंचित रह जाएंगे। फिर आप सवाल करेंगे मुझसे कि आपने पूरी जानकारी नहीं दी। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपके मन में जो भी सवाल विचार होगा तो कमेंट आप जरूर करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत ही कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ कि सरकारी ज़मीन, जैसे कि आपका कहीं पे घर है, कहीं पे आपका घर है और घर के बगल में आपका सरकारी ज़मीन है, सटा हुआ सरकारी ज़मीन, उसको अपने नाम से कराना चाह रहे हैं, या फिर कहीं पे खाली सरकारी ज़मीन है जो कोई काम का नहीं है, आपके मोहल्ला में है लेकिन आपके कब्जे में है, आपके पास उसका कागजात नहीं है, उसको अपने नाम से कराने जा रहे हैं, तो पहले मैं बंदोबस्ती बताता हूँ, उसके बाद पट्टा बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा बासगीत पर्चा। मतलब तीन तरीके से सरकारी ज़मीन या फिर खाली ज़मीन, गैर मजरूया ज़मीन अपने नाम से करा सकते हैं। तीनों तरीका बताता हूँ, जो आपको सूटेबल लगे, आपके यहाँ जो आसानी से हो जाता हो उसको आप करा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ बंदोबस्ती। बंदोबस्ती बंदोबस्ती के लिए आपका जहाँ पर ज़मीन है या फिर जहाँ पर घर है, अगर आस पास में खाली ज़मीन पड़ा हुआ है जो सरकारी है या फिर प्राइवेट ही है लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, या फिर गैर मजरूया ज़मीन है जिसका कोई भी रखवाला नहीं है, कोई भी उस पर कब्जा नहीं है, सिर्फ आपका कब्जा है, या फिर आपके कब्जा न भी है तो किसी का कब्जा अगर नहीं है, कुछ बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए भी आप बंदोबस्ती करा सकते हैं। या फिर सरकारी ज़मीन है, कहीं दूर दराज है और आपके कब्जे में है, तो उसको भी कैसे कराना है, आपको करना क्या है कि उस ज़मीन का आपको फ़ोटो खींच लेना है, चारों तरफ से फ़ोटो खींच लेना है। दूसरा क्या है कि आपके पंचायत में, आपके पंचायत में जो मुखिया या फिर प्रधान कोई भी हो, उससे एक प्रमाण पत्र लेना है। प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ होना चाहिए कि ये ज़मीन इनके कब्जे में इतने सालों से है, 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से, लेकिन मिनिमम अगर 12 सालों से है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, तो वो आपको लिखवा लेना है। तीसरा, आपके इलाका का जो राजस्व कर्मचारी है, जिसे कहीं कहीं पटवारी भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में पटवारी बोलते हैं, बिहार में राजस्व कर्मचारी बोलते हैं, सभी जगह अलग अलग उनका नाम है, तो उनके पास जाएंगे, उनसे एक नक्शा बनवा लेंगे उस ज़मीन का। उस ज़मीन का नंबर देख के आपको नक्शा बना दिया जाएगा कि ये ज़मीन ये है, इधर पश्चिम में इसका ज़मीन है, उत्तर में इसका ज़मीन है, दक्षिण में इसका ज़मीन है, और मतलब उसका चौहद्दी बना देगा वो। वो चौहद्दी लगा कर और एक आवेदन साथ में लिख कर, मतलब कि नक्शा मुखिया सरपंच का या फिर प्रधान का, किसी का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वो लगाना है आपको, और ज़मीन का फ़ोटो, उसके साथ एक आवेदन लगा के आपको क्या करना है, अंचल में जाना है। अंचल कार्यालय जो सर्किल ऑफिस होता है, या फिर आपके यहाँ तहसील होगा जहाँ तहसीलदार बैठते हैं, उनके यहाँ आवेदन करना है, वो आवेदन देखेंगे, वहाँ से वो फॉरवर्ड कर देंगे जिला में, जिला कलेक्टर के पास करेंगे या फिर जिलाधिकारी के पास करेंगे, वहाँ पर जाएगा, वहाँ से फिर इंक्वायरी भेजा जाएगा उस ज़मीन पर, वहाँ पर देखेंगे, छानबीन करेंगे, फिर आपके नाम से कर देंगे। अगर वह सही पाया गया, दुरुस्त पाया गया, उसमें कोई सरकारी कब्जा नहीं है, आपके कब्जे में ही है, या फिर उसका कोई मालिक नहीं है, तो फिर आपके नाम से करके वो फिर वहाँ से अंचल कार्यालय में या फिर तहसीलदार के पास भेजेंगे, वहाँ से फिर राजस्व कर्मचारी या पटवारी के पास आएगा, वहाँ से रसीद काट के आपको दे दिया जाएगा, आपके नाम से पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। लेकिन बंदोबस्ती वही करा सकता है जिसके पास कहीं भी ज़मीन नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है। और ज़मीन आपके पास है तब कब बंदोबस्ती करा सकते हैं, जब आपके ज़मीन से सटा हुआ ज़मीन हो तब आप बंदोबस्ती करा सकते हैं। तो उसमें आपको मुखिया सरपंच से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, न प्रधान से, किसी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो ज़मीन है आपका घर का या फिर बगल में ज़मीन है उसका सिर्फ पेपर अपडेट कर लेना है और उसका कॉपी उसमें लगा देना है, उसके साथ जो जो मैंने बताया आपको सारा चीज़ लगा के आपको आवेदन कर देना है। लेकिन आपके पास साफ घर नहीं है तो आप कहीं का ज़मीन का भी बंदोबस्ती करा सकते हैं। दूसरा बता रहा हूँ पट्टा। पट्टा कौन करा सकता है, जैसे कि कहीं पर सरकारी ज़मीन, कहीं पे गैर मजरूया ज़मीन है, या फिर ऐसा ज़मीन है जिसका कोई मालिक नहीं है, उसका आप अपने नाम से पट्टा करा सकते हैं। मतलब कि उस ज़मीन को हासिल करना चाह रहे हैं आप,
चाह रहे हैं कि अगर खेती का जमीन है, आप चाह रहे हैं कि उसको खेती करें, बंजर जमीन है कहीं पे पड़ा हुआ, खाली जमीन पड़ा हुआ है, पड़ती जमीन पड़ा हुआ है, जो सरकारी है, गैर सरकारी है, किसी भी तरह का, आप चाह रहे हैं कि अपने नाम से पट्टा करा लेने के लिए, तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास कोई ज़मीन नहीं होना चाहिए। अगर आप खेती का ज़मीन पट्टा कराने जा रहे हैं तो आपके पास खेती का ज़मीन नहीं होना चाहिए। आप घर के ज़मीन पट्टा कराने जा रहे हैं तो आपके पास घर का ज़मीन नहीं होना चाहिए, तभी वो पट्टा हो पाएगा। उसमें भी आपको प्रोसेस ऐसा ही है कि आपके पंचायत का प्रधान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, उससे आपको एक प्रमाण पत्र लेना होगा। वो मुखिया सरपंच लिख के देगा कि इनके पास खेती का ज़मीन नहीं है, अगर खेती की ज़मीन करा रहे हैं तो। अगर घर का ज़मीन करा रहे हैं तो लिख के देगा कि इनके पास कोई भी घर का ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए पट्टा करा रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए आप पट्टा करा रहे हैं वो लिख के देगा। और उसके बाद आपको करना है वही ज़मीन का फ़ोटो खींच लेना है चारों तरफ से, उसका कॉपी लगाना है, उसके बाद आपको जाना है पटवारी के पास या फिर राजस्व कर्मचारी के पास और उनसे एक नक्शा तैयार करवा लेना है, उस ज़मीन का चौहद्दी बनवा लेना है और वो कॉपी लगा के आवेदन के साथ सेम प्रोसेस आपको अपने तहसील में या फिर अंचल कार्यालय, जिसको सर्किल ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ पर जाके आपको जमा करना है। वहाँ पे जांच करेंगे, उसके बाद वो जिला में फॉरवर्ड कर देंगे कलेक्टर के पास या जिलाधिकारी के पास। वहाँ से फिर इंक्वायरी आएगा, वहाँ आपका छानबीन किया जाएगा, ज़मीन देखा जाएगा और फिर अगर सही पाया गया जो आपने बताया हो उनको, जो आपने आवेदन में लिख के दिया हो पूर्ण रूप से सही पाया गया, तो फिर आपके नाम से करके दे दिया जाएगा। वहाँ से फिर वापस तहसीलदार के पास आएगा, उसके बाद राजस्व कर्मचारी या पटवारी के पास आएगा, वहाँ से फिर आपके नाम से करके दे दिया जाएगा, पट्टा करके दे दिया जाएगा। इसमें हालाँकि पैसा देखा जाए, शुल्क तो कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई भी खर्च नहीं है। जो आपको दौड़ने में जाने आने में जो खर्च लगेगा, पेपर में खर्च लगेगा, वही खर्च लगता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा शुल्क आपको नहीं लगेगा। ये पट्टा जो होता है 5 सालों के लिए होता है, 10 सालों के लिए होता है। पट्टा जो है सरकार आपको, जैसे खेती का ज़मीन नहीं है आपको 10 सालों के लिए पट्टा कर दिया, या फिर आप 5 सालों के लिए आपको पट्टा कर दिया गया, जितने सालों के लिए आपको पट्टा कर दिया, आप उतना साल उस ज़मीन को यूज करेंगे, खेती करेंगे, या फिर घर का ज़मीन है तो घर बना कर रहेंगे। लेकिन उतना दिन अगर सही सलामत अच्छे से आपने रखा, कोई विवाद नहीं किया, विवाद नहीं हुआ, कोई कंप्लेन आपका नहीं आया, तो फिर वो ज़मीन पूर्ण रूप से आपकी हो जाती है। उस ज़मीन पर फिर सरकार दावा नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से आपकी हो जाती है। और उस ज़मीन को आप बेच भी सकते हैं, किसी को बेच भी सकते हैं, किसी को दान भी दे सकते हैं, किसी को वसीयत भी कर सकते हैं, मतलब वह ज़मीन पूर्ण रूप से आपकी हो जाती है 10 साल के बाद। तीसरा मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वासगीत पर्चा का। वासगीत पर्चा उसके लिए है, वासगीत पर्चा उसके लिए जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, ना घर का ज़मीन है, ना खेती का ज़मीन है, लेकिन वो कोई ज़मीन में 10 साल 15 साल 20 साल से घर बना के रह रहा है, या फिर कहीं घर नहीं है, वो ज़मीन की तलाश में है और कहीं पे खाली ज़मीन जो किसी के काम का नहीं है, सरकारी है, घर में जरूआ है और बिल्कुल खाली है, उस पर कुछ सरकारी बना हुआ नहीं है, तो उस ज़मीन पर 3 डिसमिल तक वो कब्जा कर सकता है। 3 डिसमिल ज़मीन कब्जा करके वो अपना घर बना सकता है या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकता है वासगीत पर्चा के लिए। तो वासगीत पर्चा के लिए अप्लाई करने से बहुत जल्दी वासगीत पर्चा मिल जाता है, मतलब उस ज़मीन का पर्चा मिल जाता है, जो ज़मीन उसकी हो जाती है उसके नाम से पर्चा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना यह है कि एक कंडीशन है इसमें, यह वासगीत पर्चा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कंडीशन है। यह वासगीत पर्चा उसी को मिलता है जो SC ST है, मतलब बंदोबस्ती तो कोई भी करा सकता है, SC ST OBC या फिर जनरल हो, या फिर पट्टा कोई भी करा सकता है SC ST जनरल या OBC, लेकिन ये वासगीत पर्चा है वो सिर्फ SC ST ही करा सकता है, दलित ही करा सकता है या फिर महादलित है वो ही करा सकता है। उसके पास ज़मीन का ज़्यादातर अभाव होता है, अक्सर दलित को आप देखते होंगे, जो लगभग मुझे लगता है 30% दलित अपने देश में है जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए या फिर खेती करने के लिए, तो उनके लिए वासगीत पर्चा है, तो वो वासगीत पर्चा उनको आसानी से मिल जाता है। जिस इलाके में ज़मीन खाली है, जहाँ पे वो कब्जा करना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है, या फिर उनका घर बना हुआ है 10-15 सालों से, 3 डिसमिल तक ज़मीन वो लेना चाह रहा है, जहाँ पे खाली घर में जरूर सरकारी, तो बस उस इलाके के मुखिया सरपंच प्रधान किसी से भी सिर्फ लिखवा लेना है कि हाँ इनके पास कहीं भी ज़मीन नहीं है, ये दलित समुदाय से आते हैं और इनके पास ज़मीन का अभाव है, रहने की बहुत दिक्कत है और इनका सारा परिवार इनके साथ रहता है, इस सारी बातें लिख के सर्टिफाइड करके वो दे देंगे। बस उस ज़मीन का फ़ोटो लगेगा और उसके साथ वो आवेदन कर देगा अपने तहसील में, अपने अंचल कार्यालय में। तो जो दलित समुदाय से आते हैं या फिर SC ST से आते हैं, तो उनको बहुत आसानी से ये ज़मीन प्रोवाइड हो जाता है, उनको वासगीत पर्चा बना के दे दिया जाता है और उसके बाद उस ज़मीन पे उसका कब्जा हो जाता है, वो हमेशा के लिए उसका ज़मीन हो जाता है। तो दोस्तों मैंने 3 तरीका बताया, बहुत ही आसान तरीका बताया, 3 तरीका बताया, तीनों तरीका से जो तरीका आपके लिए सूटेबल हो, जो तरीका आपके लिए आसान हो, तो आप उस तरीके से उस ज़मीन को अपने नाम से करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको देखना है कि आपके यहाँ अंचल कार्यालय है, तहसीलदार है, सर्किल ऑफिसर बैठता है, या फिर पटवारी बैठता है, या राजस्व कर्मचारी बैठता है, मैंने सारा का नाम बता दिया, जहाँ जहाँ आपको जाना है